जब जया पर्दा अपने फिल्मी करियर के टॉप पर थी तब एक बार वो इनकम टैक्स रेड का शिकार हो गई थी। इस दौरान उन्हें श्रीकांत नहाटा ने खूब सपोर्ट किया। श्रीकांत एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। श्रीकांत नहाटा से इसी दौरान जया पर्दा की दोस्ती बढ़ी और प्यार में बदल गई। हैरानी की बात तो ये है कि जहां जया पर्दा उस वक्त कुंवारी थी तो वहीं श्रीकांत शादीशुदा थे, साथ ही वो 3 बच्चे के पिता भी थे। इस बात को ताक पर रखे जया पर्दा ने समाज से छिपकर श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली, मगर फिर भी उनकी शादी को समाज ने मान्य नहीं माना क्योंकि श्रीकांत नहाटा ने जया पर्दा से दूसरी शादी की थी लेकिन पहली पत्नी को कभी तलाक नहीं दिया। श्रीकांत नहाटा के साथ घर बसाने के बाद भी समाज ने जया पर्दा को दूसरी औरत ही माना, जिसका असर उनके फिल्मी करियर पर बुरा पड़ा। शादी के बाद जया पर्दा को फिल्मों के ऑफर मिलने करीब करीब खत्म हो गए थे और उनका करियर ढलान पर आ गया था। इतना ही नहीं, सबसे दुखद बात तो ये रही कि जया पर्दा शादी के बाद भी कभी माँ नहीं बन पाई। इस बात का दर्द उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में जाहिर किया था। जया पर्दा ने बताया था कि वो हमेशा से ही माँ बनना चाहती। हालांकि जया पर्दा ने अपनी बहन के बेटे को गोद लेकर उसकी परवरिश